हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ फैब्रिक को डबल फोल्ड में फोल्ड करके रखी हूँ इस तरह से, ठीक है। फोर्टीन एंड हाफ इंच में मैं फोल्ड करके रखी हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। अब मैं कमर का मेजरमेंट करूँगी। तो कमर मेरी 34 है, 34 में मैं 10 प्लस करूँगी, 34 मैं प्लस 10 करूँगी तो कितना आएगा, 44, ठीक है। 44 का हम हाफ करेंगे, 44 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 22, 22 का भी हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो मैं यहाँ पे 11 लूंगी, ठीक है। और क्रॉच एरिया भी मैं यहाँ पे 11 लूंगी, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। और इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहां से 2 इंच बाहर की साइड जाऊंगी, इधर साइड, ठीक है। उसके बाद एक मार्किंग यहां करूंगी और फिर यहां से 1 इंच ऐसे मेजर टेप को ऐसे क्रॉस में रख करके 1 इंच आपको इधर की साइड लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर लेना है, ठीक है। अब मैं लेंथ की मेजरमेंट लूंगी। तो लेंथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 34। 34 में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूंगी मार्जिन के लिए। हाफ इंच मेरा इधर का और हाफ इंच मेरा ऊपर की साइड का, जो पट्टी अटैच होगी ऊपर, ठीक है। तो 1 इंच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा। और एक मार्किंग मैं इधर भी कर लूंगी 35 पे। अब मैं इसको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगी, मेरा मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे आएगा और इसमें भी सेम यहाँ पे मार्किंग कर लूंगी, ठीक है। अब मैं ये वाले को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। अब मेरी बॉटम यहाँ पे है 6 इंच का, तो मैं यहाँ पे 6 इंच मार्क करूंगी। 6 इंच ऐसे करके लेना, ठीक है। 6 इंच का मैं हाफ करूंगी तो 3 आएगा, तो 3 मैं इधर मार्क करूंगी और 3 इंच मैं इधर मार्क करूंगी इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इधर के साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए, मार्जिन के लिए, ठीक है। और इधर के साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, ठीक है। अब मैं ये वाली लाइन को ये वाले लाइन से मिला दूंगी। इधर के साइड भी मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। अब मैं स्केल को इस तरह से रखूंगी, पहले ये वाली मार्किंग को मिला लूंगी इस तरह से रख के। अब ये वाले को भी इस तरह से रख के मिला लूंगी, इधर की साइड में इस तरह से स्केल को रखूंगी और इस तरह से मार्क कर लूंगी, ठीक है।
और इधर के साइड में हाफ इंच अंदर जाऊंगी और यहाँ पे मार्क करूंगी और इसको भी इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दूंगी। अब मैं इसको कट कर लूंगी। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के काटूंगी। इधर के साइड में हाफ इंच ऊपर के साइड मार्क करूंगी, ठीक है, और इस तरह से मैं इसको कट कर लूंगी। ठीक है, तो ये मेरी फ्रंट की साइड कट गई है। अब मैं बैक की कट करूंगी। कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद अब इसी कपड़े को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। इसको इस तरह से बिछाने के बाद मैं यहाँ से 2 इंच ऊपर के साइड जाऊंगी, ठीक है, और मैं 2 इंच इधर बाहर के साइड। यहाँ से मैं 2-2 इंच बाहर की साइड जाऊंगी, ठीक है, और इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लूंगी और इसको इस तरह से राउंड शेप दूंगी। ठीक है, अब ये वाले लाइन को इस वाले पॉइंट से मिलाना है मुझे, इस तरह से इसको स्केल को रख के और इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी 2 इंच मार्क करूंगी इस तरह से और इसको इस तरह से मिला देंगे यहाँ पे। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये मेरी पैंट की कटिंग हो गई है। अब मैं बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ बेल्ट के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और इसको अच्छे से बिछा लूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि जो मेरी फैब्रिक की एज है वो इक्वल नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरह से मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं बेल्ट की मेज़र करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के निकाल ली हूँ। तो बेल्ट मैं यहाँ पे 22 इंच की निकाल रही हूँ, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी मुझे 1 इंच लेना है। पहले मैं इतने कपड़े को कट कर लूँगी, उसके बाद जितना कपड़ा मुझे ज्वाइंट करना पड़ेगा बेल्ट में वो मैं बाद में स्टिच करने टाइम ज्वाइंट कर लूँगी। यहाँ पे मेरी बेल्ट की लेंथ 2 इंच की रहेगी और उसमें मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, क्योंकि 2 इंच मेरा सिल के आना चाहिए, ठीक है। तो 4 इंच का बेल्ट लूँगी तो उसको फोल्ड करूँगी तो 2 इंच आएगा, और 2 इंच में 2 इंच के लिए मुझे 1/2 इंच मार्जिन चाहिए सिलने के लिए, तो 1 इंच उसमें जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बेल्ट की लंबाई 5 इंच पर मेज़र करके कट करूँगी, ठीक है। तो मेरी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा अगर इसमें ऐड करना होगा तो वो मैं स्टिचिंग करने के बाद ऐड कर लूँगी, ठीक है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।